Welcome back, dear students. In this mock test from today, we will discuss the environment issues. So in this mock test, we will discuss important MCQs from the air pollution and its control and water pollution and its control. So students, we have completed environment issue tutorial last night, and we will complete the mock test from this chapter in two sessions. So today is the part one from this environment issues. So here we will discuss only air pollution and water pollution. So let's start. Question number 157. Green muffler is used against which type of pollution? जो green muffler है, किस तरह के pollution को control करने के लिए use किया जाता है? Air, soil, water, noise. तो ये muffler word हमने NCERT में सुना था, मैंने आपको बताया. आई होप यू कैन गिव आंसर फॉर दिस. सोचिए जरा, कल का जो ट्यूटोरियल था उसको दिमाग में रखिए, एंड देन यू कैन गिव द आंसर. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 158. द नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम द एमिशन ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड द पावर प्लांट आर द सोर्स ऑफ द फाइन एयर बोर्न पार्टिकल विच लीड टू. जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो ऑटोमोबाइल के एमिशन से, उनके धुएं से, या पावर प्लांट के धुएं से निकलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं एनवायरनमेंट में, जो फाइन पार्टिकल छोड़ देते हैं वो, तो क्या होता है वो? फोटोकेमिकल स्मोग, ट्राई एसिड डेपोजिशन, इंडस्ट्रियल स्मोग, बेट एसिड डेपोजिशन. सोचिए जरा इसको. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 158 एंड गिव मी आंसर. I have explained the question to you and told the options to you. Next we have the question number 159. The sound above what level is considered a hazardous noise pollution? Sound ka kaun sa level kiske upar chala jaye to usko hazardous noise pollution mein count kiya jata hai? Above 80 decibel, 120, 150, below 30 decibel. Sochiye je maine aapko bataya tha iske answer. Kindly give answer. Question number 159. And next we have the 160. Air Prevention and Control of Pollution जो एक्ट था कब आया था फोर्स में? 1980, 1981, 1982, 1979. ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कल के ट्यूटोरियल में, एंड ये लिखा हुआ था बुक में. आई होप यू कैन गिव द आंसर. 161. वाच इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फोटोकेमिकल स्मोग. जो फोटोकेमिकल स्मोग होती है उसमें हमेशा क्या होता है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथेन. 162. द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इट्स ग्रेटर अफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, अप्रॉक्सीमेटली वाई. तो जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो टॉक्सिक इफेक्ट कोज करती है, क्योंकि इसकी जो अफिनिटी है ऑक्सीजन से ज़्यादा है. कितनी ज़्यादा है? 2 टाइम, 20 टाइम, 200 टाइम, 1000 टाइम. गिव मी आंसर. ये हमने किया था गैस एक्सचेंज वाले टॉपिक में. तो साथ में देखिए क्वेश्चन नंबर 161, 162. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन 163. द ताजमहल इज थ्रेटन्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ. जो ताजमहल है आपका आगरा में, उसको किसका खतरा है? ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, हाइड्रोजन का, सल्फर डाइऑक्साइड का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोल्यूटेंट फ्रॉम द ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल जो गाड़ी मोटर होती है उसमें से कौन सा पोल्यूशन आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड. बताइए इनमें से कौन सी गैसेज है जो कि ऑटोमोबाइल पोल्यूटेंट है? दोबारा देख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. नेक्स्ट वी हैव विच पोल्यूटेंट रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. किस पोल्यूशन से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है आपके लंग्स की वो कम हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नन ऑफ दीज? बताइए.
Next we have the question number 166. During the daytime the sound level in the silent zone is about. जो साइलेंट जोन होते हैं जिन पे साउंड कोई अलाउड नहीं होता पोल्यूशन, उसमें कितना होना चाहिए डे टाइम में? 20 डेसिबल, 30, 40, 50 डेसिबल, जैसे आपके हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल कॉलेज हो गए, तो उसके बाहर दिन में कितना साउंड होना चाहिए मैक्सिमम पोल्यूशन का जो लेवल है कितना होना चाहिए साइलेंट जोन में? नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 167. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज सेकेंडरी पोल्यूटेंट. इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है? ब्रोमीन गैस, क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड. प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है जो डायरेक्ट निकलता है, जो पोल्यूशन के सोर्स से डायरेक्ट निकल रहा है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है. जो प्राइमरी पोल्यूटेंट विद अदर टाइप ऑफ पोल्यूटेंट के जब टच में आता है तो वो ज़्यादा टॉक्सिक बन जाता है, अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट. तो इनमें से बताइए कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है. 168. मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ द नॉइस एज पर नॉइस पोल्यूशन रूल 2000 ऑफ इंडिया. इंडिया के जो रूल है उनमें 2000 में फ्रेम किए हैं कितना नॉइस जो है परमिसिबल है. 75 डेसिबल, 65 डेसिबल, 55 डेसिबल, 50 डेसिबल. सोचिए, इनका आंसर दीजिए. आराम से देखिए. 161, 162, 63, 64, 65, 66, 67, 68. थैंक यू. नेक्स्ट वी हैव द 169. रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स पीएच. जो बारिश होती है इसको हम एसिड रेन या तेजाबी बारिश कहते हैं. कब? अम्लीय बारिश या तेजाबी वर्षा जो भी कहते हैं. क्या किस पीएच पे होती है? 7, 6.5, 6, 5. ब्लैक लंग डिजीज इज कॉमन. फेफड़े काले हो जाते हैं, वो बीमारी कब है? कोयल माइनर, कोयले की खुदाई करने वाले, रिफाइनरी वर्कर, प्रोटोकेमिकल इंडस्ट्री, फार्मर. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट. एयर का कोई पोल्यूटेंट नहीं है इनमें से. NO3, SO2, हाइड्रोकार्बन, CO2. देखिए द्वारा 168, 169, 170, 171, 172. 172 देखिए. एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज अमेंडेड इन 1987. इसमें सुधार किया गया था. कंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग एज पोल्यूटेंट. तो इनमें से किस चीज़ को पोल्यूटेंट में ऐड किया गया था जो पहले नहीं था? वाटर, नॉइस, डस्ट, नॉन ऑफ दीज. जब इसकी अमेंडमेंट की गई थी 1987 का जो लॉ बना था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन का, तो बताइए कौन सा ऐड किया गया था? लाइकन आर डिस्क्राइब एज इंडिकेटर ऑफ. लाइकन जो होते हैं पॉइनियर प्लांट होते हैं, वो किस के इंडिकेटर होते हैं? एयर पोल्यूशन के, वाटर पोल्यूशन के, सॉइल पोल्यूशन के, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. लाइकन आर वेरी सेंसिटिव प्लांट, दे आर यूज एज द इंडिकेटर फॉर द पोल्यूशन. तो बताइए कौन सा पोल्यूशंस है. और हमने जब नया किया था लाइकन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का, उसमें आपको मैंने करवाया था. अगर आपके दिमाग में हो तो यू कैन ट्रेस द आंसर हेयर वेरी इजिली. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वी हैव द 173, 174. मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2. मैच करियर करेक्ट ऑप्शन देखिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपेटर, स्क्रबर, कैटालिटिक कन्वर्टर. ये तीन डिवाइसेस हैं जो एयर पोल्यूशन में कंट्रोल के लिए बरते जाते हैं. तो रिमूव द गैस लाइक SO2, रिड्यूस द ऑटोमोबाइल एमिशन, रिमूव द पार्टिकल मैटर. तो इनके करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या करते हैं. सोचिए ध्यान से. इसमें इसका मैं आपको कोई ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि कल हमने तीनों के तीनों किए थे. आई होप यू कैन गिव आंसर. अभी आपके दिमाग में ये फ्रेश होगा. अभी
सोचिए ध्यान से। थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट वी हैव द एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। नेक्स्ट वी हैव इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। फर्स्ट वी हैव द 175। ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द इम्पेयर नर्वस सिस्टम एंड मैडनेस आफ्टर परलोंग कंजम्पशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर, विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल। कोई बंदा है, उसको नर्वस सिस्टम की बीमारी आ गई है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स काम नहीं कर रही और वो पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं। पानी, उसने गंदा पानी पिया है, पोल्यूटेड पानी, और उस पानी में कौन सा पोल्यूशन हो सकता है? मरकरी, कैल्शियम, मैग्नीज, लेड, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। 175 सोचिए ध्यान से। नेक्स्ट वी हैव 176। ए लेक विच विद एन इनफ्लो ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज रिच इन द ऑर्गेनिक वेस्ट मे रिजल्ट इन। कोई लेक है जिसमें डोमेस्टिक सीवेज इकट्ठा हो रहा है, घरों की गंदगी, नालियों का जो गंदा पानी है, वेस्ट है, उस लेक में इकट्ठा आ रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? ड्राइंग ऑफ द लेक वेरी सून ड्यू टू एल्गल ब्लूम। जल्दी लेक सूख जाएगी एल्गल ब्लूम से। एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द फिश ड्यू टू लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट। फिश की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा है। डेथ ऑफ द फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। मछलियाँ मर जाएंगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द एक्वाटिक फूड वेब ऑर्गेनिज्म। ज़्यादा एक्वाटिक फूड वेब के ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएंगे, तो बताइए इनके आंसर। नेक्स्ट इज द मिनामाता डिजीज वाज कॉज ड्यू टू कंजप्शन ऑफ। मिनामाता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास में आता है। किस पोल्यूटेंट से होती है? सी फूड कंटेनिंग लॉट ऑफ कैडमियम, फिश कंटेमिनेटेड विद मरकरी, ऑयस्टर विद लॉट ऑफ पेस्टिसाइड, सी फूड कंटेमिनेटेड विद सेलेनियम। तो स्टूडेंट्स, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव में पूछा भी जा चुका है पहले, तो इसको सीरियसली देख लीजिए ध्यान से। 176 एंड 177 गिव फोकस सो डैट आई हैव यून दीज क्वेश्चंस। तो ध्यान में रखिए इनको, सोच के आंसर दीजिए इनके। डोंट नीड टू बी हॉस्टल। नेक्स्ट वी हैव द 178। फॉर्मेशन ऑफ द नॉन फंक्शनल मिथेनोग्लोबिन कॉजेस द ब्लू बेबी सिंड्रोम। हीमोग्लोबिन बन जाता है, उसको कहते हैं मिथेनोग्लोबिन, और उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। क्यों? इससे जो बच्चा होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है ज़्यादा, उसमें हीमोग्लोबिन रेड कलर जो है डिफॉर्म हो जाता है हीमोग्लोबिन। किस वजह से? एक्सेस ऑफ द आर्सेनिक कंसनट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इन द ड्रिंकिंग वाटर, डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन इन द फूड, इंक्रीज मिथेन कंटेंट इन द एटमोसफियर। तो बताइए आंसर। ये मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है, जो पुराने MCQs थे उनमें भी आपने ये पढ़ा होगा, तो बताइए इनके आंसर। 178 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसके ऊपर जो मिनामाता का वो भी था जरूरी, जे भी दोनों ही वाटर पोल्यूशन से हैं, तो कर भी हम वाटर पोल्यूशन रहे हैं। बताना है आपने कौन सा पर्टिकुलर पोल्यूटेंट है जो कि ब्लू बेबी सिंड्रोम करता है, और कौन सा पोल्यूटेंट है जो मिनामाता डिजीज करता है, बताइए। 179। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर पोल्यूशन इज डन विद द हेल्प ऑफ। पानी का जो पोल्यूशन है उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसकी हेल्प से होता है? फाइटोप्लैंकटन, फंजाई, लाइकन, नॉन ऑफ दीज। DDT क्या है? नॉट ए पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट एंड एंटीबायोटिक। DDT, डाइक्लोरोडाइथेन, ट्राइक्लोरमीथेन, जो आपको पता होगा इसका केमिकल फार्मूला। तो बताइए, इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई है, कल भी मैंने बताया था आपको बायोमैग्निफिकेशन। तो ये कौन सा पोल्यूटेंट है? सॉरी, ये पहला तो ऑप्शन मैंने काट दिया क्योंकि पोल्यूटेंट बता के, तो तीन बचे ऑप्शन देखिए कौन सा पोल्यूटेंट है। चलो मैंने ये बता दिया आपको पोल्यूटेंट है, अब आप ये बताइए क्या है ये, B, C और D, करेक्ट आंसर दीजिए इसका।
Hurry up. Next we have the 181. Water pollution is caused due to. पानी का जो pollution है कैसे होता है? Effluent of the industries, agriculture discharge, sewerage and the other wastage, all of these. इनमें से कौन से कारण है जो कि water pollution का कारण बनते हैं? Industrial effluent, जो फैक्ट्रियों का निकल रहा है गंदा पानी, खेती बाड़ी का गंदा पानी, जो घर के गटर का पानी, नालियों का, या all of these. इनमें से कौन सा फैक्टर है जो वाटर पोल्यूशन करता है? एक है या सभी है? 181 देखिए आराम से. साथ में देखिए 182. इन द मीना माटा बे ऑफ जापान, बंगा जापान की एक बे थी, खाड़ी थी. द एनिमल विच रिमेन फ्री फ्रॉम मीना माता डिडीज आर, जिन एनिमल्स को मीना माता की बीमारी नहीं हुई वो कौन थे? पिग, डॉग, रैबिट, कैट्स. किनको बीमारी नहीं लगी मीना माता की? ये दूसरी बार क्वेश्चन आ गया. ये सोचिए जरा इसको ध्यान से. साथ में 183 भी दिखाई दे रहा होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज इंडिकेटर स्पीसीज फॉर पोल्यूटेड वाटर. पोल्यूटेड वाटर के लिए इंडिकेटर स्पीसीज कौन सी है? ट्यूबीफैक्स, फाइटोप्लैंक्टन, यू प्लैंक्टन, प्रॉन. गंदे पानी में कौन सा इनमें से जो ऑप्शन है ग्रो करता है, इंडिकेटर है, या ग्रो करता है या नहीं करता है, बताइए. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस 184. नोक नी नडीज, जो घुटने हैं, बोन में चटकने की आवाज़ आने लगती है, दुखने शुरू हो जाते हैं घुटने आपके, नीज, किस वजह से? हार्मोन इन बैलेंस, फ्लोरीन इन वाटर, कैडमियम, लेड, किस वजह से होता है? द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इज ड्यू टू. वेस्ट वाटर का जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है किससे होता है? रिड्यूस बीओडी, इंक्रीज बीओडी, रिड्यूस सेडिमेंटेशन, इंक्रीज सेडिमेंटेशन, क्या होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में? 184 भी साथ में देखिए, 185, 186, 187. 187, ब्लैक फुटेड डिजीज, जो पैर होते हैं नीचे से काले फिर जाते हैं, ऊपर से स्किन भी काली हो जाती है ज़्यादा, किस पोल्यूटेंट से है? कैडमियम, मरकरी, आर्सेनिक, कॉपर, बताइए. कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन द वर्ड गेट डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ. कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो है वर्ड्स में वो डिस्टर्ब हो गया, किस वजह से? मरकरी, कैडमियम, डीडीटी, लेड. तो स्टूडेंट दिस वाज द टुडेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन अलॉन्ग विद देयर कंट्रोल. और अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच फॉर योर हम्बल पार्टिसिपेशन एंड काइंडली कमेंट वीडियो कैसा लगा. प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो and stay tuned with my channel tonight for the useful tutorial from the chemistry. I have already discussed in the group. Tonight at 9:30 we will discuss Li-Chitrya principle and its application. Aur connected rahiye channel ke saath. We will focus more on chemistry. Jaldi hum chemistry ka bhi mock test start karenge and you can avail it also. Thank you very much students for your participation. Please like, share and comment the video. Thank you.